नमस्कार, आप देख रहे हैं ये टीवी और अब वक्त है ह्यूमन एनर्जी कुछ मुख्य खबरों का। ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा लगवाने के नाम पर दंपति ने खेड़ी रामलाल निवासी हरप्रीत सिंह से 11 लाख रुपए लेकर हड़प लिए, लेकिन आरोपियों ने न तो उसका वीजा लगवाया और न ही उसे रुपए लौटाए। रुपए मांगने पर आरोपी उसे सुसाइड करने की धमकी देने लगे। परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत पहले सीएम मिंटो पर दी, इसके बाद एसपी को। एसपी के आदेश पर पुलिस ने दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना से एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हुई है। जिले में अब 122 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं गुरुवार को 57 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 69 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घर भेज दिया गया है। अब तक जिले में 4770 केस कोरोना के मिल चुके हैं, जिसमे से 3837 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जगाधरी के दुर्गा गार्डन कॉलोनी में वीरवार को धंधे में मंदी के चलते टीवी मैकेनिक ने दुकान पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अर्जुन नगर चौकी इंचार्ज विजय वालिया ने बताया कि परिवार वालों ने किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया है। मामले में 174 की कार्रवाई की गई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। आयुष विभाग की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम के तहत दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष विभाग के 70 कर्मचारियों व योग स्वयं सेवकों ने भाग लिया। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सतपाल ने बताया कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से दौड़ का आयोजन किया गया। तो ये थी यमुनानगर की कुछ मुख्य खबरें। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।